आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि है रिप्रोडक्शन। बट इससे पहले अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के प्लांट्स के हॉर्मोन्स या फिर प्लांट के जो मूवमेंट्स थे जो वो रहते हैं, तो पहले हम उनको कवर करेंगे, देन हम इस पे आएंगे, ठीक है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स करेंगे, देन रिप्रोडक्शन पे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले अपना मूवमेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स में मूवमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो वो दो प्रकार के हैं, एक एनास्टिक मूवमेंट, दूसरा है ट्रोपिक मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट कौन से हो गए, नॉन डायरेक्शनल, जैसे कि छुई मुई का पौधा था, उसको अगर हम टच करते हैं तो वो ऐसा नहीं कि कहीं पर भी वो मुड़ सकता है, ठीक है, ओके है। उसके बाद इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, थिग्मोनास्टिक। थिग्मोनास्टिक मतलब कि जो टच की वजह से चेंज हुआ है, ओके है, टच की वजह से जो मूवमेंट हुई है। उसके बाद ट्रोपिक मूवमेंट कौन से हो गए, जो कि डायरेक्शनल हैं, जैसे कि सनलाइट की तरफ मतलब कि प्लांट का बदना, तो वो भी हो गया, ठीक है, वो फोटोट्रोपिज्म में आता है, तो उसके हिसाब से होता है ये सारा। और जो ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, तो इनके जो ये चार एग्जांपल हैं, एग्जांपल क्या हैं, टाइप बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, सबसे पहले अपना जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या होता है सर जी, ग्रेविटी के मतलब कि ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट या तो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट, तो वो हो गया, ठीक है, ये डायरेक्शनल हो गया क्योंकि ग्रेविटी की तरफ है या तो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, ठीक है। अगर ग्रेविटी की तरफ है तो वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होगा, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट है तो वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होगा। जैसे कि रूट्स हैं, तो रूट्स क्या करती हैं, ग्रेविटी की तरफ जा रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और अगर नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव, जैसे कि स्टेम हो गया, वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोट्रोपिज्म, सेम उसी प्रकार से है, पानी की तरफ है तो पॉजिटिव, और पानी के अगेंस्ट जा रहा है तो नेगेटिव। फोटोट्रोपिज्म, सनलाइट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर अदरवाइज नेगेटिव। कीमोट्रोपिज्म, ये जो होता है ये केमिकल वाला जो है, ये पोलन ट्यूब्स वगैरह में होगा, तो इसको हम डिटेल में आज करने भी वाले हैं, पोलन ट्यूब वाली सारी चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारी क्या थी, ट्रोपिक मूवमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, जैसे कि देखो ये फोटोट्रोपिज्म का है, यहाँ पे प्लांट है, प्लांट किस तरफ बढ़ रहा है, जहाँ से सनलाइट आ रही है उस तरफ ज़्यादा जाएगा ये। उसके बाद टच मी नॉट, जो प्लांट है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, हम उसको टच करते हैं तो वो क्या कर देता है, अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है, वो वाली चीज़ होगी। जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म का इस तरह से हम देखो, अब ये गिरा हुआ प्लांट तो बट मतलब जो ये गमला है वो गिरा रखा, बट ये प्लांट किसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कर रहा है, और यहाँ पे ये रूट्स क्या कर रही हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कर रही हैं, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पेज में अभी अपना प्लांट के हॉर्मोन्स, प्लांट के हॉर्मोन्स के बारे में अभी यहाँ पर अपने को पढ़ना है। तो प्लांट के हॉर्मोन्स आप यहाँ पर भी देख लो, बट यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख रखे हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं आप ज़्यादातर। हाँ, सबसे पहले अपना रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। प्लांट के हॉर्मोन दो टाइप के हैं, एक तो जो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रोथ के लिए, एक वो है जो ग्रोथ को रोकते हैं, तो स्टॉपर ही प्रिवेंट ग्रोथ, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रोथ के लिए वो है तीन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिबरलिन। दूसरा है जो रोकते हैं वो है एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। अब इनके काम देख लेते हैं सर कैसे हैं, तो इनके काम कुछ इस प्रकार है भैया। जो ऑक्सीजन है, जैसे कि यहाँ पे है ये प्लांट है, और यहाँ पर सनलाइट से ऑक्सीजन जो है दूर भागता है, ठीक है, तो इधर सनलाइट पड़ रही है, ऑक्सीजन इधर आ गया, ठीक है सर। अब ऑक्सीजन या सेल क्या किसके लिए मतलब कि वो क्या करते हैं, सेल का एलॉन्गेशन करते हैं, सेल को बढ़ा देते हैं, मतलब कि उसको बड़ा कर देंगे। अब यहाँ से सेल बड़े होंगे तो ये सेल इधर से मतलब बड़े हो गए, ये लंबा हो जाएगा इधर से, और इधर से लंबा हो जाएगा तो ये इधर से बेंड हो गया, और जहाँ से सनलाइट आ रही थी उस तरफ मुड़ गया, तो ये किसका काम था, ऑक्सीजन का रहा सर, समझ आ गया होगा, ठीक है सर। सूट अपाइकल मेरिस्टम, ये कहाँ पर होता है, मेनली सूट अपाइकल मेरिस्टम में होता है, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट है वो बता रखा है ये। उसके बाद साइटोकाइनिन से अपने को राम भैया याद आने चाहिए, जो कि मैंने पहले करवा दिए थे, ठीक है, ये क्या है, रूट अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है। उसके बाद मतलब कि रूट अपाइकल मेरिस्टम मतलब कि ये साइटोकाइनिन कहाँ पर मिलता है, वो हो गया। रूट सेल एलोंगेशन, ये किस चीज़ में काम आएगा, ये भी करता तो है एलोंगेशन ही, किस बट कौन से सेल्स का, जो रूट्स में प्रेजेंट है उनका, ठीक है। ऑक्सीजन वांट्स अगेंस्ट द साइटोकाइन, मतलब ऑक्सीजन जो है सॉरी वर्क अगेंस्ट द साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, रूट्स की ग्रोथ करता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, स्टेम वाली चीज़ों की ग्रोथ करता है, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। उसके बाद जिबरलिन का काम क्या भैया, जर्मिनेशन ऑफ द सीड को जर्मिनेट करवाने का काम किसका है, जिबरलिन का। जर्मिनेशन क्या है वो आपको आगे भी समझ में आ जाएगा, या तो सीधी सीधी भाषा में बोले तो मतलब कि उसका फूटना,
मतलब कि सीड से मतलब कि पौधा निकलना चालू होना, तो दैट इज़ द जर्मिनेशन, ठीक है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है, अब सीड्स तो ऐसे ही तो जर्मिनेट होंगे नहीं, उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस भी होनी चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट पे उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस कैसे कैसे हैं, मतलब कि वो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, सोइल अच्छी होनी चाहिए जो कि मतलब कि जर्मिनेट हो उसके वहाँ पर, मिट्टी गीली कर सकते हैं, तो मतलब कि उसके लिए अलग अलग जो भी कंडीशंस होंगी, टेम्परेचर वगैरह की, प्रेशर वगैरह की, तो वो सारी कंडीशंस भी फुलफिल होनी चाहिए, तभी सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, ठीक है। उसके बाद अब ये तो हो गए सारे अपने ग्रोथ प्रमोटिंग वाले इधर वाले, अब आते हैं ग्रोथ जो प्रिवेंट करते हैं या फिर रोकते हैं। तो सबसे पहले अपना एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या काम करता है सर जी, सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का क्या मतलब है, बाहर देखो एनवायरनमेंट पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि भैया वहाँ से सीड मतलब कि जर्मिनेट कर पाए, अब ये सीड जर्मिनेट ना करने दे ऐसा वाला एसिड है, मतलब कि ऐसा वाला हार्मोन है प्लांट का, एब्सिसिक एसिड, ठीक बात है, समझ आ गया होगा। मतलब कि ये क्या करेगा, सीड को जर्मिनेट होने से रोकेगा, ठीक है, ओके हैं। अब ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, जिबरलिन के अगेंस्ट काम करता है, जिबरलिन का काम है भैया वो उसको क्या करेगा, मतलब कि जर्मिनेट करवाएगा, और एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, उसको स्टॉप करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं, ठीक है। इथाइलिन, इथाइलिन से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, राइपनिंग ऑफ फूड या फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट या तो एजिंग ऑफ फ्रूट, वो कौन करवाता है, इथाइलिन। अगर देखो मतलब कि अगर हम किसी को बोले आप बूढ़े हो गए हो, तो मतलब उसकी एज हो चुकी है, यही बोलते हैं, हाँ जी सर। इसी तरह से अगर आम पक गया है मतलब कि उसकी एज हो गई है, तो वो क्या कर जाते, उसको नीचे गिरा देता प्लांट, तो वो उसकी ग्रोथ रोक दी, अब उससे ज़्यादा वो ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। अगर मतलब कि उसको ग्रोथ करवाने से मतलब है उसको यंग करवाना, और यहाँ पर ग्रोथ मतलब कि उसकी रोकना है अगर वो बूढ़ा हो गया, तो उस टाइप से, ठीक है, ओके सर। देन नेक्स्ट पेज, अब अपना स्टार्ट करते हैं भैया रिप्रोडक्शन, जो कि एकदम फ्रेश टॉपिक है। सबसे पहले अपना रिप्रोडक्शन मतलब कि क्यों ज़रूरी है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, सबसे पहले अपना क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ ए सिमिलर काइंड, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल प्रोसेस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पीसीज एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ। मतलब कि सीधी सीधी बात है, स्पीसीज का ऐसे ही बने रहने के लिए या फिर उनके कंटिन्यूएशन रहने के लिए, तो इसलिए वो मतलब कि रिप्रोडक्शन एसेंशियल है। रिप्रोडक्शन में होता क्या है, बच्चे पैदा होते हैं या फिर मतलब कि ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, जैसे कि प्लांट्स के ऑफस्प्रिंग्स होंगे तो वो कैसे आते हैं, या फिर मतलब कि बाइनरी फ्यूजन वगैरह भी आएगा तो वो उसमें होता है भैया मतलब कि हाइड्रा से, तो वो भी फ्यूजन वगैरह में आएंगे, उसमें भी रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, तो वो सभी समझ में आ जाएगा। मेन बात क्या है, पेरेंट्स से बच्चे मिलेंगे, ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, अब वो प्लांट्स में मिले या ह्यूमंस में मिले या तो एनिमल्स में मिले, किसी में भी मिल सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ द रिप्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आते हैं टाइप्स कितने हैं, इसके दो टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सबसे आज हम पहले कवर करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं सिर्फ पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली, इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, इसमें मेल मतलब या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, वो जिस हिसाब से भी होता है, बट इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है बस, ठीक है, इसमें दोनों पेरेंट की जरूरत नहीं होती, जैसे ह्यूमंस में है। अब ह्यूमंस में मेल और फीमेल दोनों चाहिए होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, बट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट से दोनों मतलब कि बच्चे ऑफस्प्रिंग्स मिल जाते हैं, ठीक है, ओके सर। उसके बाद क्या है, मेनली जो दिस इज सीन इन ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किन में देखने को मिलता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि अपना यीस्ट हो गया या तो हाइड्रा वगैरह हो गया, वो सभी चीज़ें हो गई। उसके बाद अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से या तो प्लांट्स हैं उनके अंदर, तो वो वाली चीज़ें आ जाएंगी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम भी आते हैं, बट वो प्लांट्स वाले से अलग है, हमारे अंदर भी मतलब कि कौन सा मतलब कि उसमें दोनों चाहिए होते हैं पेरेंट्स, मेल भी और फीमेल भी, तो वो सेक्सुअल में आता है, और जो ये वाले हैं प्लांट्स वाले हैं सारे, वो किस में आ गए, अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ गए। प्लांट के अंदर भी दो टाइप के मिलेंगे अपने को, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, वो देखेंगे हम कैसे कैसे क्या है, ठीक है। देन है अपना, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप कौन से हैं, तो इसके ये सारे टाइप हैं। फीजन है मतलब कि टूटना, डायरेक्टली मतलब मीनिंग बता के चल रहा हूँ मैं फिलहाल। फ्रेगमेंटेशन है उसका कट के अलग अलग हो के फिर मिलना। बडिंग में है कोई भी बड निकलती है तो वो हो गया। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कि कोई भी वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि लीव्स हो गया उनसे प्लांट बनाना नया। रीजनरेशन कोई भी हिस्सा कट गया उसको दोबारा से रीजनरेट होना। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में नोबिता डोरेमोन से रिलेट करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट सबसे पहले हम मल्टीपल फ्यूजन और बाइनरी फ्यूजन, जो फ्यूजन वाला अपना सबसे पहला वाला टॉपिक था ना, तो सबसे पहले हम वो करने वाले हैं। मल्टीपल फ्यूजन में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सेल है न्यूक्लियस के साथ, उसमें से बहुत सारे टूट जाते हैं एक ही साथ, तो वो क्या हो गया मल्टीपल फ्यूजन, मतलब कि एक से ज़्यादा में टूट गया है। और बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, एक पेरेंट सेल है उसी से क्या है दो बन गए हैं, तो दैट इज़ द बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी का मतलब ही होता है दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है इनकी, डेफिनेशन में क्या है, व्हेन द फ्यूजन रिजल्ट्स इन द टू डॉटर सेल्स, मतलब कि दो सेल्स में जो कि ऑफस्प्रिंग्स वाले होंगे उनमें डेवलप हो जाए, तो दैट इज़ द बाइनरी फ्यूजन। इसके एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स अभी इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम्पल्स को प्लीज़ याद रखें, जैसे कि पैरामीशियम हो गया अपना, अमीबा एंड द लेस्मेनिया, ये सारे। लेस्मेनिया किसके लिए, एक बीमारी है जो कि है काला आजर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, लेस्मेनिया, ठीक है। ये यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन का डायरेक्टली समझाने के लिए कि एक से दो टूटना ओके है। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन का वही बात होगी एक से ज़्यादा में टूटना, तो ये वाला डायग्राम हो गया, और उसका एग्जाम्पल हो गया प्लास्मोडियम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन आएगा, तो मैंने इसलिए ये वाला डायग्राम लगाया है नोबिता वाला, तो देखेंगे हम क्या है सर इसमें भी। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन क्या सर, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन का क्या भैया, जैसे कि अभी ये एक प्लेनेरिया था, एक सिंगल प्लेनेरा है जो कि पेरेंट प्लेनेरा है, इसके टुकड़े कर दिए तीन, मतलब कि उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, फ्रेगमेंट हो गई। अब ये इस फ्रेगमेंट से क्या करेगा, एक अलग बना लेगा पूरा प्लेनेरा, इससे अलग पूरा प्लेनेरा बना लेगा, और इससे पूरा प्लेनेरा एक और बना लेगा, तो तीन टुकड़े किए और तीन न्यू प्लेनेरा तैयार हो गई। तो ये होता है अपना फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में। रीजनरेशन कैसे, जैसे कि इसके पास तो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा था, तो इसने नीचे वाला हिस्सा जो अपना रीजनरेट कर लिया, इसके पास बीच वाला हिस्सा था तो इसने ऊपर और नीचे वाला दोनों वाला हिस्सा रिप्रोड्यूस कर लिया, इस हिसाब से इसने किया है, ठीक है। देन यही मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, वही सारा है, ठीक है। यहाँ पे तो अभी अपनी रीजनरेशन की पूरी डेफिनेशन है लिख रखी है, और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, मतलब कि अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना और उन पार्ट से एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाना, तो ये फ्रेगमेंटेशन होगी, ठीक है। इसके एग्जांपल थे प्लेनेरा, हाइड्रा एंड स्पायरोगायरा, ठीक है। अब स्पोर फॉर्मेशन में आते हैं सर, स्पोर फॉर्मेशन में हाइफा, ये याद रखना अपने को, स्पोर फॉर्मेशन में हाइफा कहाँ पर, ये क्वेश्चन आता है, मतलब कि हाइफा किस में प्रेजेंट होता है, तो स्पोर्स का जो प्लांट होता है उसके अंदर, स्पोर फॉर्मेशन के अंदर हाइफा होता है, ठीक है। उसके बाद जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। उसके बाद जो ये, मतलब कि अगर ये फूट जाता है, बर्स्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे, वो वाली चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन इन द सॉरी स्पोर फॉर्मेशन इन द फंगस, मतलब कि फंगाई में ज़्यादातर देखेंगे हम इसको। अब फंगस जो होती है अपने ब्रेड वगैरह पर भी लग जाती है। अब ये डायग्राम क्या सर जी, अगर मतलब कि जो डोरेमोन देखते हैं, कार्टून देखते हैं, तो उन्होंने ये पक्का देखा होगा एपिसोड, जिसमें नोबिता क्या करता है, इस प्लांट की देखभाल करता है, जो कि स्पोर्स इसके जो पेरेंट्स, मतलब कि ये पेरेंट प्लांट है, और इसके बच्चे जो होंगे वो स्पोर्स होते हैं, और वो स्पोर्स उड़ उड़ कर अलग अलग जगह पर जाते हैं, जो वहाँ पर फिर पूरा प्लांट बना लेते हैं, और नोबिता इस प्लांट की पूरी देखभाल रखता है जब तक इसके मतलब कि बच्चे दूसरी जगहों पर ना पहुँच जाएँ, ठीक है। ये वाला इसका पूरा एपिसोड था, अगर किसी ने एपिसोड भी नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो चेक कर लियो बेशक से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज। और आई थिंक सो अब तो ये याद रहना चाहिए, स्पोर फॉर्मेशन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन से कैसे मतलब कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना ये बडिंग वाला हाइड्रा, बडिंग और हाइड्रा में कैसे सर, ये वाले प्लांट्स हैं, मतलब कि ये एक पूरा हाइड्रा है। अब इसमें से यहाँ पर छोटी सी बड ग्रो होनी स्टार्ट हुई, यहाँ पे डेवलपिंग बड दिखा दी मैंने, ठीक है। अब ये डेवलपिंग बड यहाँ पर एक न्यू बड के तौर पर बन चुकी हैं। अब ये क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी इससे, और ये अलग से एक न्यू हाइड्रा बना लेगी। तो ये होगी अपनी बडिंग की प्रोसेस, वैसे ही ईस्ट में होता है। ईस्ट में क्या है, यहाँ पर देखो पूरी तरह से डिटैच हो चुकी है, ये बात याद रखना। बट ईस्ट में क्या हो रहा है, अभी अपने पास ये है पेरेंट ईस्ट सेल, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है भैया, जो जिसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है ना, ये पूरे पूरे डिवाइड होने स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्मिंग ऑफ द बड, मतलब कि न्यू बड यहाँ पर भी बन रही है। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, वो हो गया, न्यूक्लियस भी, मतलब कि दूसरी बड के अंदर भी न्यूक्लियस आ चुका है, वो हो गया सर। अब ये दोनों बड यहाँ पर बन रही है, लेकिन ये बड क्या होती है, बड बनने के बाद ये डिटैच नहीं होती, बस इससे हाइड्रा में पूरी तरह से डिटैच हो गई थी, लेकिन इसमें क्या है, पूरी तरह से डिटैच नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा सर, चेन ऑफ द यीस्ट सेल फॉर्म होगी,
मतलब कि पूरी चेन सी बन जाएगी ये सेल की, और ये डॉटरी सेल्स हैं जो ये हो गया या फिर ये हो गया या तो ये हो गया, ये सारे क्या हैं डॉटरी सेल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है डॉटर्स जो हैं चिपके रहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है भैया अपना वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या सर, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ मैं, वेजिटेटिव पार्ट जो हैं प्लांट्स के उनसे एक नया प्लांट का दोबारा से बनाना, दैट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे कि अपना लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, रूट्स हो गए, तो ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, इन्हीं से किसी नए प्लांट का बनाना, तो वो हो गया अपना वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो नेचुरल भी हो सकता है या तो आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या क्या आते हैं सर जी, लीव्स के थ्रू होता है जिसको हम ब्रायोफाइलम के अंदर होता है, आई थिंक ये गवार पठानी, इसका अलग सा नाम होता है पत्थर कुछ, मतलब कि एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट ब्रायोफिलम आप सर्च भी कर सकते हैं, इजिली आपको मिल जाएगा। उसके बाद स्टेम, स्टेम से भी होता है टर्मरिक और जिंजर। जिंजर कौन होता है, जो अपना अदरक नहीं होता वो वाला। उसके बाद अपने पास रनर्स, रनर्स के अंदर कौन आ गए, स्टोलोन, रनर्स हो गया तो स्टोलोन जिनको हम बोलते हैं, तो ग्रास रनर्स और स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के भी अंदर मतलब कि रनर्स वाले हो गए। उसके बाद है बल्ब्स, बल्ब्स में ओनियन हो गया या तो लिली हो गया, ये सारे तो ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थे। उसके बाद आर्टिफिशियल में कई मेथड होते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कई मेथड हैं, जैसे कि ग्राफ्टिंग, देन कटिंग, देन लेयरिंग एंड प्लांट टिश्यू कल्चर। ये सारे अगर 10th में हैं आप तो वो बहुत डिटेल में आता है, 10th में पूरी इनकी सभी की डेफिनेशन बताई जाती है आपको, टिश्यू कल्चर को भी बताया जाता है। वैसे टिश्यू कल्चर काफ़ी अच्छा मतलब कि वो है रास्ता है बहुत सारे प्लांट्स को एक ही जगह पर इजिली क्रिएट करने के लिए, इजिली मतलब कि उनको डेवलप करने के लिए। ठीक है, बट अभी अपने को सीडीएस के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अब हम आ गए हैं भैया, तो इसके अंदर क्या है, ए सेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट चाहिए होता था, बट इसमें क्या है, इसमें अपने को दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं मिनिमम। ठीक है, उसके बाद दिस मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द इन सॉरी ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू इंडिविजुअल बिफोर ए न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। मतलब कि दो इंडिविजुअल चाहिए होंगे जो कि मतलब कि न्यू जनरेशन क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, मेंबर नीडेड टू प्रोड्यूस द न्यू जनरेशन। ओके सर, सीन इन मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जो भी ज़्यादा, हाँ वैसे ये बात मतलब कि देखो जो यूनिसेलुलर थे वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे, तो उनके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। बट अभी जैसे कि हम हो गए या मतलब कि जो प्लांट्स हो गए, सॉरी प्लांट्स बोल रहा हूँ, ह्यूमंस हो गए या तो फिर एनिमल्स हो गए, तो उनके अंदर कौन सा देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दिस मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट्स द प्रोसेस ऑफ द कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम द टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है भैया, ये प्रोसेस में हो रहा है भैया, मतलब जो दो इंडिविजुअल्स हैं जैसे कि मदर एंड फादर, तो उन दोनों के डीएनए कंबाइन होके ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रहे हैं। समझ में आ गया, देन आप पे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आगे भैया हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे अब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन देख लेते हैं हम क्या है सीन है सर। देखो इसमें अपने को दो ही चीज़ें याद रखनी हैं, एक तो जो होता है इसका फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट है भैया ये वाला हिस्सा। ठीक है, ओके सर, जैसे इसमें दिखा देता हूँ मैं, हाँ ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है अपना फीमेल पार्ट, और जो ये फिलामेंट के साथ, सॉरी फिलामेंट और एंथर यहाँ पे मैंने दिखा रखे हैं, फिलामेंट मतलब एंथर है और ये फिलामेंट है, ये वाला पूरा हिस्सा होगा, ये एक मेल पार्ट हो गया। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट का तो ये वाली चीज़ें हो गई। अब इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या सीन है। स्टिग्मा कौन होता है सर जी, स्टिग्मा जो ये इसके ऊपर जहाँ पर ये पोर्स, पोर्स बोल रहा हूँ, जो पोलन ग्रेन्स चिपकेंगे, अब पोलन ग्रेन्स के आंसर वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सेपल है जो कि मतलब कि फ्लावर के नीचे लगते हैं ग्रीन कलर के, ये हो गया। फिर अपना रेसिप्टल और पेडिकल, ये सारे प्लांट्स की मतलब कि जो अब टहनी स्टार्ट हो जाती है वो बड़ी चीज़ें आ गई। देन ये वाला उनके बारे में लिख रखा है, वो देख लेते हैं एक बारी। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स आर द लोकेटेड इन द फ्लावर। अब एंजियोस्पर्म क्या होते हैं सर जी, जिनके सीड्स कवर्ड होते हैं वो होते हैं अपने एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये मैं बता भी चुका हूँ, ये ऑलरेडी किसी चैप्टर में कवर भी हुआ है, तो आप कमेंट कर देना कौन से में कहाँ पर एंजियोस्पर्म्स आए थे, क्या होते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर भी एक बार ही बता दिया है। उसके बाद है सर जी, द फ्लावर्स मे बी यूनिसेक्सुअल। फ्लावर्स जो होते हैं भैया दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी और बाईसेक्सुअल भी। यूनिसेक्सुअल में होते हैं सर जी जिनके पास सिर्फ या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टल होगा। अब स्टेमन पिस्टल क्या होते हैं सर वो देख लेते हैं एक बारी। देखो जो अपना ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट में कौन कौन से आ गए, एंथर और फिलामेंट को मिलाकर जो ये बना है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेमन, जो कि अपना
मेल पार्ट, यहाँ पे मैंने खुद भी डायग्राम बना रखे हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, फिलामेंट और एंथर को मिलाकर अपना स्टैमन हो गया। और ये स्टैमन जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, जिनको हम मेल सेल्स या फिर मेल गैमेट्स इसमें बोल सॉरी मेल मेल वेस्ट प्रोडक्ट या मेल जर्म सेल्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट तो नहीं बोलेंगे, मेल जर्म सेल्स बोलते हैं यहाँ पे। उसके बाद किनको, पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। और यहाँ पर ये है अपना ओवरी वाला, ओवरी के अंदर इसमें मतलब यहाँ पर सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, देन जो ये मतलब कि पतली सी डंडी आएगी वो होगी अपने स्टाइल, देन ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर अपने को मिलते हैं एग, जहाँ से पोलन ग्रेन को जाकर वहाँ पर मतलब कि फ्यूज़ करवाना पड़ता है, ठीक है। अब ये वाली चीज़ लिख रखी थी, तो अभी देखते हैं, या तो कि तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं इन सभी को, इकट्ठा मतलब कि इकट्ठा अगर हम फीमेल पार्ट को बोलते हैं तो पिस्टल बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं तो स्टैमन बोलते हैं। तो अब वही लिख रखा है, फ्लावर प्लांट में भी यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल है तो मतलब कि या तो उसके पास सिर्फ स्टैमन है, मतलब कि या तो मेल पार्ट है ओनली, या तो पिस्टल भी है, मतलब कि या तो पिस्टल है या तो मेल है या तो फीमेल पार्ट है, एक ही पार्ट होगा, ठीक है। तो वो कौन से पार्ट्स आ गए, जैसे कि पपाया होगा, वाटरमेलन हो गया, इसके एग्जाम्पल्स हैं, या तो इनमें स्टैमन है या तो इनके अंदर पिस्टल था, ठीक है। अब आते हैं बाईसेक्सुअल कौन से होते हैं, बाईसेक्सुअल हैं सर जी हिबिस्कस मस्टर्ड, जो कि सरसों होगी अपनी, तो उसके अंदर दोनों होते हैं स्टैमन भी और पिस्टल भी, तो वो वाले हो गए अपने बाईसेक्सुअल। स्टैमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टैमन क्या है भैया, अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन्स दैट आर येलोइश इन द कलर, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, किस चीज़ में बताते हैं, मैंने बता दिया है, पोलन ग्रेन्स अपना मेल पार्ट, मतलब कि मेल जो स्पर्म की तरह होता है ह्यूमंस में, वैसे ही इसमें प्लांट्स में कौन है, पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। ओके सर, येलोइश इनका कलर होता है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना अब क्या प्रोसेस होती है वो दिखा रखी है यहाँ पे। यहाँ पर अभी जी पिस्टल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इज द मे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेड अप ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, यही मैंने बताया था, यहाँ पे डायग्राम भी है वैसे इसका, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो स्टिग्मा, हाँ स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया और ओवरी हो गया, इन तीनों को अगर मिला के बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल, ठीक बात है। और उसके अंदर ये वाले, ये पोलन ग्रेन्स आगे चिपक गया है, यहाँ पे भी पोलन ग्रेन्स आगे चिपक गया है, और इन पोलन ग्रेन्स की जो ये ट्यूब है, पोलन ट्यूब हम इसको बोलते हैं, वो डेवलप हो चुकी है, और वो डेवलप होने के बाद कहाँ पर गई है सर, वो डेवलप होने के बाद अपना ओवरी में गई है, जो कि जहाँ पर फीमेल जर्म सेल्स हैं, ये मेल जर्म सेल्स हैं, ठीक है। वो जो पोलन ग्रेन्स अपने उसके अंदर ही पोलन ट्यूब के थ्रू वो पास करते हैं मेल जर्म सेल्स को, और वो कहाँ पर फ्यूज़ करवाते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल में, ठीक बात है, ठीक है सर। अभी लिखा क्या है वो देख लेते हैं हम, और क्या है यहाँ पर, हाँ द ओवरीज कंटेन्स द ओव्यूल्स, ईच ओव्यूल हैज़ ईच मतलब कि एग, सीधी सीधी बात यहाँ पर क्या है, वो मतलब कि ओवरीज होती हैं, ओवरीज के अंदर ओव्यूल मिलता है, और हर ओव्यूल के पास क्या मिलेगा अपने को, एक जर्म सेल मिलेगा, ठीक है। द मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द पोलन ग्रेन्स फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, मेल गैमेट जो सा अपना वो किसके साथ फ्यूज कर लेता है, फीमेल गैमेट के साथ, ठीक है। दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल्स और द फर्टिलाइजेशन गिव्स अस जाइगोट, क्या मिलता है, वैसे ये वाली टर्म्स जो हैं कौन सी, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और जाइगोट वगैरह वाली, फर्टिलाइजेशन, ये सारे जो हैं अपने सेल मतलब कि किस में आएंगे, अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में भी आएंगे, तो इनको याद रख लेना अच्छे से, ठीक है, जो जो मैंने बोल ली है अभी। उसके बाद है अभी अपना जो फीमेल गैमेट होगा, तो कहाँ पर कौन सा प्रेजेंट होता है वो बता रखा है, मेल जर्म सेल्स और फीमेल जर्म सेल्स, जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं ओव्यूल के अंदर, तो क्या मिलता है अपने को, जाइगोट मिलता है, ये वाली बात यहाँ पर थी। और जाइगोट किस चीज़ के लिए कैपेबल है, एक नया प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। ओके सर, ख़त्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट में अब ये राम कहानी क्या लिख रखी है सर, ये राम कहानी पूरे पीछे वाली ही है, बस उसको रिपीट में लिखा हुआ, मतलब रिपीट में यहाँ पर एक डेफिनेशन अलग आएंगी, दो डेफिनेशन हो गई आई थिंक जो अलग होंगी, बाकी पीछे वाला जो था कौन सी चीज़ किस तरह से हो रही है वो सभी चीज़ें यहाँ पर लिख रखी है। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि यहाँ पर ये पोलन ट्यूब ग्रो हो गई है, और पोलन ट्यूब के थ्रू ही इन्होंने मेल जर्म सेल्स को भेज दिया है, तो वो सारी चीज़ भी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है, तो ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन क्या है। देखो ये प्लांट है, प्लांट के पास यहाँ पर ओवरीज वाली चीज़ें भी हैं, ठीक है सर, फीमेल पार्ट हो गया, यहाँ पर मेल पार्ट जो कि एंथर स्टैमन होता है मेनली, और एंथर और फिलामेंट उसके पार्ट हो गए, तो उसमें से क्या निकलते हैं, पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इसी के ओवरी पर मतलब स्टिग्मा पर जाकर चिपक गई,
तो वो क्या, कौन सी पोलिनेशन होगी? सेल्फ पोलिनेशन होगी। समझ में आ गया? ठीक है सर, सेल्फ पोलिनेशन हो गया सर। उसके बाद है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन आगे इसका डायग्राम हम वहाँ से समझ लेंगे। देन अपने पास क्या है, बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, द ओवरीज ग्रोज रैपिडली एंड द राइपन, मतलब सीधी सीधी बात क्या है, ओवरीज ही, ओवरीज किसी चीज़ में आगे जाके डेवलप हो जाती है, वो ओवरीज तो बन जाती है फ्रूट, और जो ओव्यूल होता है वहाँ पर बनते हैं अपने सीड्स। ठीक है, आपने मतलब कि सेब एप्पल खाई होगी, तो जो फ्रूट था ना पहले उसका, तो उसके फ्लावर्स के हिसाब से बना है। अब जो फ्लावर में जो ओवरी थी वो तो बन गया फ्रूट पूरा, और जो उसके अंदर सीड्स मिलते हैं वो कौन थे? ओव्यूल्स। ठीक है, देन अपने पास आगे ये वाला लास्ट पार्ट है, यहाँ पे समझ लेते हैं क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है। क्रॉस पोलिनेशन क्या सर जी? देखो, इसके पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा पर जाकर चिपक रहे हैं। किसकी मदद से? कुछ अपने जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी मतलब कि कैरियर होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं अलग से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बी दिखा रही है मधुमक्खी, तो वो क्या करती है, पोलन ग्रेन्स इसके लग जाती है, चिपक जाते हैं, तो वो पोलन ग्रेन्स फिर यहाँ पर इसके ऊपर छोड़ देती हैं, देन ये फिर यहाँ पर रिप्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द रिप्रोडक्शन, सॉरी क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, ओके सर। और यहाँ पर क्या दिखा रखा है सर नया? बाकी कुछ नहीं यहाँ पर। हाँ, जर्मिनेशन क्या होती है, बस वो डेफिनेशन है यहाँ पर। द सीड्स कंटेन द फ्यूचर प्लांट और द एम्ब्रियो विच डेवलप्स इन टू द सीडिंग अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज द जर्मिनेशन। मतलब कि सीधी सीधी बात क्या है, सॉरी सीधी सीधी बात क्या है, यहाँ पर है भैया अपना ये सीड, जो कि मतलब कि मोनोडाइकोट और मोनोकोट और डाइकोट, ये मैंने पहले पढ़ाए थे। ठीक है, कोटाइलिडन, या तो ये फिर यहाँ पर है फ्यूचर शूट वाला प्लूमले, ये सारी चीज़ में बता मतलब कि कोटाइलिडन वाला मैंने बताया है। कोटाइलिडन क्या होता है सर जी? फूड स्टोर करने का काम आता है। और फ्यूचर शूट मतलब कि यहाँ पर तो फूड स्टोर होगा, और यहाँ पर जो फ्यूचर का जो मतलब कि शूट बनेगा, मतलब कि जो तना बनेगा, वो कहाँ से बनता है? सीड के अंदर बीच वाला हिस्से से। ठीक है, तो ये था। और जर्मिनेट करने का मतलब क्या है, उसके अंदर से पौधा निकलना, तो दैट इज़ द जर्मिनेशन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर अपना ये टॉपिक होता है भैया पूरा कंप्लीट। अभी अपना यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो तो हो गया अपना पूरा। अब एनिमल्स के अंदर जो अपना रिप्रोडक्शन आएगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम करेंगे। एक मिसलेनियस करके वीडियो लाऊंगा मैं, जिसके अंदर अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस होगा, और कुछ प्रीवियस चैप्टर्स के कुछ स्मॉल स्मॉल टॉपिक रहते हैं, जो कि अपने विटामिन मिनरल्स हो गए, स्केलेटन सिस्टम हो गया, तो वो सारी चीज़ें हम उस मिसलेनियस वीडियो के अंदर करेंगे। थोड़ी इनसे बड़ी होगी वो वीडियो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करने वाले हैं? इससे नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं भैया जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स के अंदर क्या क्या सर जी? हेरिडिटी, इवोल्यूशन वाला जो कि 10th के अकॉर्डिंग था, वही वाले होंगे। इसमें रिवाइज होगा अपना, और CDS के अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, वो वाली चीज़ें सभी होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अब बात करते हैं, आपको PDF कब और कैसे मिलेगी? तो मैं सबसे पहले बता दूं कि PDF फ्री नहीं है, एक पेज का 1 रुपये है भैया। ठीक है, अगर मान के चलो कोई PDF है जो 10 पेजेस की है, तो आपको 10 रुपये पे करने हैं। अगर कोई 5 पेजेस की है, तो आपको 5 रुपये पे करने हैं। ठीक है, पेमेंट डिटेल्स कैसे हैं वो यहाँ पे देखते हैं। ये मेरा यूज़र नेम है टेलीग्राम का, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद मैं आपको गूगल पे फ़ोनपे की डिटेल्स दे दूँगा, वहाँ पर आप पे करना। उसके बाद मैं आपको PDF जो है टेलीग्राम पर ही सेंड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।